दोस्तों, अगर आप भी अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए। कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में कि अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, चाहे आप 1 महीना पहले बोले हैं, 2 महीना पहले बोले हैं, आप बिल्कुल ईजी से पता कर सकते हैं अपने पासवर्ड को अपने मोबाइल फोन में। मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ इसी वीडियो में कैसे अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को पता कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है बिल्कुल इजी से पता चलने वाला है। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह कॉन्टेंट देखने को मिलते रहता है। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। आपको मोबाइल फोन में एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, देखते हैं इस पर क्लिक करना है सेटिंग पे। जैसे सेटिंग को ओपन करेगा देखते हैं कुछ इतना इंटरफेस आएगा आपके मोबाइल फोन में। यहाँ पर आपको एक गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं मेरे में भी आपको गूगल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है गूगल पे। जैसे ही गूगल पे क्लिक करेगा कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पर वेट करेगा देखते हैं ऑटो फ्लश का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ऑटो पे। जैसे ही क्लिक करेगा देखते हैं ऑटो फ्लश विथ गूगल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फर्स्ट में ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना सिंपली से। जैसे इस पर क्लिक करेगा देखते हैं फिर अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं ईरो का ऑप्शन है, ईरो का अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जितने भी आपको ईमेल आईडी आपको मोबाइल फ़ोन में तो आपको शो कर देगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, आपके मोबाइल फ़ोन में ईमेल आईडी आपका शो कर जाएगा। जिस भी ईमेल आईडी का आप पासवर्ड चेक करना चाहते हैं या भूल गए हैं उसे पता करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है। चलिए मेरा इसी ईमेल आईडी को पता करना है पासवर्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन में एक ही ईमेल आईडी है तो यह ऑप्शन नहीं आएगा, तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। सिर्फ आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद जाना है आपको पासवर्ड पे, पासवर्ड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेगा कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा जितने भी ईमेल आईडी है इस पर ही पासवर्ड सबका शो है। जैसे देख सकते हैं IRCTC का अकाउंट हो गया, खान सर का ऑफिशियल देख सकते हैं ऐप हो गया, सबका यहाँ पासवर्ड शो कर रहा है सब ऐप का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको गूगल का यहाँ पर जो पासवर्ड है आपको शो कराना है ईमेल आईडी का, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको google.com का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो मोबाइल का पासवर्ड है आपको फिल करना, जैसे कि मैं फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्कैन किया देखते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह इंटरफेस आ गया। यहाँ पर देखते हैं आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर रखते हैं शो नहीं करा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखते हैं जो आई का आँख है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे पासवर्ड शो कर गया। तो इस तरीके से आप भी अपने पासवर्ड को देख सकते हैं बिल्कुल ईजी से रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा तरीका कैसे आप पता कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो आपको एक काम करना होगा, यहाँ पर बैक आने के बाद आपको जाना है आपका जीमेल आईडी को ओपन करना है, जो कि जीमेल एक ऐप होगा आपके मोबाइल फ़ोन में, उस ऐप को आपको ओपन करना। तो चलिए हम करते हैं उस ऐप को ओपन, को जीमेल ऐप को ओपन करना, चलिए ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इतना इंटरफेस आएगा, यहाँ पर जाना आपको लोगो पे, जिससे आपको प्रोफाइल पिक दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, गूगल पे क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेगा उसमें पर्सनल इन्फो का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, देख सकते हैं यहाँ पर उसमें पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट चेंजिंग, देखते हैं 28 फरवरी यहाँ पर शो कर रहा है मेरा, मैं पासवर्ड चेंज किया था। यहाँ पर रखते हैं ईरो का एक चिन्ह दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेगा कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है, आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। जैसे कि यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर आपको इंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है, तो आप तो पासवर्ड यहाँ पर भूल गए हैं, तो यहाँ पर पासवर्ड आपको डाल देना है सोच के कि इस तरह का पासवर्ड हो सकता है। डालने के बाद यहाँ पर देखते हैं फॉरवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको पासवर्ड नहीं ले रहा है, मैच नहीं कर रहा, तो आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करिएगा देखते हैं कुछ इतना इंटरफेस आएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेगा आपको जो पासवर्ड है आपको मोबाइल फ़ोन में आपको डालना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर डालेंगे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, देखते हैं यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, कन्फर्म पासवर्ड आपको डाल के यहाँ पर सेव पासवर्ड पर क्लिक करना है। आप इस तरीके से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो, मन में कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टा में फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल पर आपको इस तरह कॉन्टेंट देखने को मिलते रहता है। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में, मन तो कुछ आप तक ले। जय हिंद, वंदे मातरम।